राधे राधे मित्रों, हर महीने की अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है स्नान दान तर्पण के लिए। दोस्तों, पितृ दोष दूर करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, काल सर्प योग से मुक्ति पाने के लिए भी हर महीने की अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। इस पर से भाद्रपद माह की अमावस्या और भी विशिष्ट हो जाती है। इस माह की अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुश एकत्रित की जाती है। कुछ एकत्रित करने के कारण ही इसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है और पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा गया है। तो इस दिन कुश हमें एकत्रित जरूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो कुश आप एकत्रित कर रहे हैं उसे एक ही हाथ से आपको एकत्रित करना है। उसकी पत्तियां पूरी होनी चाहिए और आगे का भाग बिल्कुल भी टूटा हुआ ना होना चाहिए। इस कर्म के लिए सूर्योदय का समय सबसे अच्छा माना जाता है और जब आप ये कार्य कर रहे हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। मंत्रोच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से एक बार में ही कुश को निकालना चाहिए। जब आप कुश एकत्रित कर रहे हो, कुश को निकाल रहे हो, उस समय आपको जिस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए वो है विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिन सर्गज नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। तो इस मंत्रोच्चारण को करते हुए आप कुश एकत्रित करिए। कुश एकत्रित करने के लिहाज से ही नहीं बल्कि भादो मास की अमावस्या का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन माना जाता है पिथौरा अमावस्या। पिथौरा अमावस्या को माँ दुर्गा का विशेष पूजन किया जाता है और इसके बारे में ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस दिन के महत्व को माता पार्वती ने इंद्राणी को बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति और अपने संतान की कुशल मंगल के लिए इस दिन उपवास किया जाता है। माँ दुर्गा सहित सप्त मातृका व 64 अन्य देवियों का पूजन भी पूरे विधि विधान के साथ इस दिन किया जाता है। दोस्तों, ये दिन बहुत ही खास होता है स्नान दान और पूजन के लिए, यानी हमें इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। इसके अलावा जितना हो सके जूते, चप्पल, छाता ऐसी चीजों का हमें दान भी करना चाहिए, अनाज का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन चूंकि पितरों का दिन माना जाता है अमावस्या, तो इस दिन तर्पण का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जिन लोगों के जीवन में पितृ दोष है या अक्सर समस्याएं बनी रहती हैं, ऐसे लोगों को पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितृ सुख का पाठ करना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा इस दिन जिनके जीवन में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष वालों को भी इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान के बाद चांदी से बने हुए नाग नागिन का पूजन जरूर करना चाहिए और उसके बाद सफेद फूल के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष से राहत मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां डालना और काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पाप कर्मों का क्षय होता है, पुण्य कर्म उदय होते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन यानी अमावस्या के शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। इस दीपक में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर डाल देनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसके अतिरिक्त अमावस्या की रात को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहते हुए नदी के पानी में जरूर छोड़ना चाहिए। इस उपाय से धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। तो दोस्तों, ये कार्य हमें अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पीपल के वृक्ष का और शनिदेव का पूजन भी हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, साल 2019 में कुश ग्रहणी अमावस्या यानी भाद्रपद की अमावस्या आ रही है 30 अगस्त 2019 को। अमावस्या तिथि शुरू होगी 29 अगस्त 2019 को शाम के 7:56 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त 2019 को दोपहर के 4:08 पर। तो इसके अनुसार अमावस्या भाद्रपद की पड़ेगी 30 अगस्त 2019 को। तो अमावस्या के दिन जरूर कीजिए ये काम। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।